देखिए बेटा, क्लास में लेसन है ट्वेल्थ में अपना सॉल्यूशंस। जिसका मतलब क्या है? विलयन। इसमें दो पॉइंट है, ए कॉन्सेंट्रेशनल टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशनल टर्म्स में क्या क्या आएगा? मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मैलिटी, फॉर्मैलिटी, ईटीसी। विच वी हैव स्टडीड इन क्लास 11। ये सारे हमने 11th क्लास में पढ़े हैं। जो विलयन की सांद्रता कंसंट्रेशन को डिफाइन करती है वो टर्म सारी है। जो 11th का एज इट इज पढ़ा था वो सारा का सारा इसमें काम आएगा, ठीक है। बी जो टॉपिक आएगा इसमें वो होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है अनुसंख्यक गुण है ये। क्या होते हैं ये? तो देखिए, ये तो क्लास 11 से आ जाएगा, इसका पूरा रिवीजन है अपने पास, उसको वापस चेक कर लेंगे कि क्या मोलैरिटी होती है, क्या मोलैरिटी होती है, मोल फ्रैक्शन एन, ये अभी हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है जो 11th के बैच का था, पूरा का पूरा इसमें काम आ जाएगा, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसको रिवाइज हमने कर लिया ताकि 11th की सारी चीजें रिकॉल हो गई। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आज पढ़ना है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हिंदी में बोलते हैं अनुसंख्यक गुण। इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा? अनुसंख्यक गुण, ये कौन से गुण हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? तो इसमें हमें देखना पड़ेगा विलयन के वे गुण जो विलय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं प्रकृति पर नहीं। आप देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? Which depends upon number of solute particles. Solute particles के number पे depend करती है, not upon nature of solute. ये वो properties होती है जो क्या है, जिन्हें हम बोलेंगे colligative properties. इस चैप्टर में बस ये सब चीजें हुई है, इसके बाद ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़नी है। बोर्ड में बहुत अच्छा वेटेज है, कंपटीशन में भी हर बार एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर आते हैं। एक क्वेश्चन तो मेनली कंसंट्रेशन टर्म से आ जाता है, एक या दो क्वेश्चन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से आएंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चार तरह की होती है, उन सबको अपने को डिफाइन करना पड़ेगा। तो अब देखिए नेक्स्ट जो आएगा, कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है जो हमें स्टडी करनी है, राइट? तो इसमें लिखिए ए, चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास। फर्स्ट है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहेंगे फ्यूचर में, RLVP। सब चीज समझेंगे हम, क्या वेपर प्रेशर होता है, क्या लोवरिंग होती है, क्या रिलेटिव लोवरिंग होती है, ठीक है। यानी वेपर प्रेशर में सापेक्षिक कमी, जो किसी के रेस्पेक्ट में आपको निकालनी पड़ेगी, वो चीज है, ठीक है ना। दूसरा होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।
और लास्ट प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। ध्यान दीजिए, ये क्या होगा, वेपर प्रेशर वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी, यानी वेपर प्रेशर में रिलेटिव कितनी कमी आती है किसी के रेस्पेक्ट में, वो चेक करना है। एलिवेशन क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट को हिंदी में बोलते हैं क्वथनांक, में ओनियन का मतलब होता है इंक्रीज, बढ़ना, कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, हिमांक में अवनमन। और ऑस्मोटिक प्रेशर को हिंदी में बोलते हैं पराशरण दाब। लेकिन बेटा इनकी ये वर्ड्स याद रखेंगे हम कि बॉइलिंग पॉइंट बहुत कॉमन वर्ड है, फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, इन्हीं वर्ड्स को अपन अपन ध्यान लगा के पढ़ेंगे तो आगे ज़्यादा ठीक रहेगा। देखिए अब ये है, इसमें जब सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ सोल्यूशन के बारे में पूरा प्रॉपर इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा हमें। जैसे अब जब इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले आप समझेंगे सबसे पहली चीज वेपर प्रेशर। हम कहें कि वेपर प्रेशर होता क्या है, नाम से ही पता लग रहा है किसी भी गैस जो बनी है किसी लिक्विड से, उसका जो प्रेशर है गैस के सरफेस, लिक्विड की सरफेस पे, उसे क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। तो आप देखिए, कोई भी आपने सॉल्वेंट लिया इस तरह से और इसको आपने हीट किया, मान लो ये क्लोज वेसल है, तो इस लिक्विड से क्या बनेगी, वेपर बनेगी। लिक्विड की ये वेपर वापस क्या करेगी, लिक्विड की सरफेस पे प्रेशर डालेगी और अल्टीमेटली एक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। उस इक्विलिब्रियम पर उस लिक्विड की जो वेपर है, इस द्रव की जो गैस है, वो इस लिक्विड की सरफेस पे जितना प्रेशर डालते हैं दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो एक लाइन में अगर अपन कहें कि वेपर प्रेशर क्या होता है, तो हम कहेंगे द प्रेशर अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, किसी द्रव की सतह पर लगाया गया दाब, किसके द्वारा, बाय द वेपर ऑफ लिक्विड। ध्यान से सुनो, देखो उसी लिक्विड की सरफेस पर उसी लिक्विड की गैस के द्वारा लगाया गया दाब, बाय द वेपर ऑफ लिक्विड, कहां पर, एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। देखिए आप हिंदी में देखिए इसे क्या लिखेंगे, हिंदी में देखो, किसी द्रव की सतह पर उसी द्रव की वाष्प द्वारा साम्य अवस्था पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर। आपको इसमें ज्यादा डेफिनेशन पे कंसंट्रेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज कोई डेफिनेशन कहीं नहीं आती है, बात समझ नहीं होती है। कोई लिक्विड है, उसी से अपन ने गैस बनाई और उस गैस ने उसी लिक्विड की सतह पर जितना प्रेशर डाला इक्विलिब्रियम पर, वो क्या होता है, वेपर प्रेशर, राइट?